तो ये है दिक्कत। इसकी तोरी की बात कर रही हूँ, आप दाल तोरी भी पकाते हो, इसकी आप खीर भी पका सकते हो, हलवा भी बना सकते हो, लेकिन आज मैं इसकी बनाने लगी हूँ जी बर्फ़ी। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ तीनों को, वॉश करके इनको वॉश करती हूँ, फिर इनको काटती हूँ, इनकी स्किन उतार के फिर इनसे बीज निकालती हूँ, तो फिर आपको मैं दिखाऊँगी साथ से सारा काम दिखाऊँगी। तो साथ ही जब इसके लिए जो चीज़ें ले रही हूँ, एक दो बटर लिए मैंने यहाँ पे, मुझे बटर चाहिए, चीनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कार्डमम चाहिए, और साथ ही नीडो मिल्क चाहिए, ड्राई मिल्क भी है, ये नीडो मिल्क भी है मेरे पास, और साथ बादाम चाहिए तो आखिर में यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा ग्रीन कलर, ये चीज़ें जो आखिर में जाएंगी। तो बनाना शुरू करते हैं जी। पहले हमें कढ़ाई चढ़ा दी है, तो सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लूँ और इनको काट लूँ, इनके अंदर से सारी चीज़ें निकाल लूँ, बीच से फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इनको छील लेती हूँ, इनकी स्किन उतार लेती हूँ सारी। फिर मैं सबकी स्किन उतारती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करूँगी, शॉर्ट करूँगी। सबको मैंने छील लिया है और काट भी लिया है, ये देखिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे इस साइड से इसको थोड़ा पीस छोटा सा कर लूँ, क्रश कर लूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ करने के बाद, इसको यहाँ पे रख दूँ खुली जगह पे, और जी तो मैं इसको सांप को क्रश कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये साबरा में सब मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है जी, ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा कर लिया इसको यहाँ पे। तो ये बाकी बच गया जो बड़े बड़े पीस बचे हैं, चक बचे हुए हैं, तो इनको मैं यहाँ पे ब्लेंड करने लगी हूँ। तो इनको मैं यहाँ पे छोटा सा पीस लेती हूँ, इसका पीस लेती हूँ। मैं इनको थोड़ा सा ग्राइंड, तो यहाँ पे मैं इसको एक ग्राइंड कर लिया जी। तो अब मैं पकाना शुरू करती हूँ, मैंने कढ़ाई ऑलरेडी चढ़ा दी है, मिल गया। मैं आपको मिक्सर दिखाती हूँ, ये तो यहाँ पे मैंने दो बटर के पीस डाल दिए हैं, ये देखें दो टिक्कियाँ डाल दी हैं, और साथ इसके मैं ये तोरी डाल देती हूँ, तोरी
अब इसमें इसको अच्छी तरह भूनना है, इसका पानी भी ख़त्म करना है और अच्छी तरह इसका इसको भूनना है। मैं इस बटर में तो उसको मैं दम पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका पानी सूख जाए। स्टोव मेरी फुल है, अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डालने लगी खुशबू के लिए, इतनी सी, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा। दूध को और चीनी को और कद्दू को मैं अच्छी तरह से इसको मैं ड्राई करना है। आप देख सकते हैं बहुत इसमें पतला है बहुत, और इसको बिल्कुल ड्राई करना है कि ताकि कद्दू बिल्कुल गल जाए। आपको कद्दू कहें तो लौकी तोड़ लौकी कहें किया कहें जो भी आपकी जो आपको सूट करें वो आप कर सकते हैं। तो ये इसको बिल्कुल ड्राई करना है जी, तो उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा तो उसमें मैं ये ड्राई मिर्च डालूँगी। थोड़ा सा कलर मैंने और डाला है, सही कलर नहीं आया था। आप देखें जी जैसे तोरी थी कद्दू था वैसे कलर हो गया उसमें उसका। थोड़ा सा उसमें केवड़ा डालने लगी हूँ जी लास्ट में, और थोड़ा सा आपको नजदीक से देखो फिर रेडी हो चुकी है। मैं से दो घंटे लगाए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा
4 घंटे रखिएगा कि ज़रा भी नरम है, लेकिन बड़े ही मज़े की बनी है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।